हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, यह है बाबू हरदास, इनकी स्मृति स्थल की जगह। आप देख सकते हैं नदी के किनारे में भीम अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। और मेरे पीछे में आप जो देख रहे हैं, जो पर्दे लगे हुए हैं, वहाँ पर है प्रदर्शनी, चित्रों की प्रदर्शनी। तो मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ। उसके पहले आप मेरे पीछे में देख सकते हैं, इधर में जो है उनका स्मृति स्थल है बाबू हरदास जी का। और इधर में आप देख रहे होंगे तो ये जो है अखाड़े में कुछ दो अखाड़े आए हुए हैं यहाँ पर, जो बहुजन समाज के अखाड़े हैं, जिसमें बहुजन समाज के लड़के जो है वो ये वहाँ पर अखाड़े में जाते हैं और वो कर्तव्य अभी यहाँ पर दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यह अखाड़े की जगह, यहाँ पर अखाड़े में एक और दो अखाड़े हैं यहाँ पर। और इधर में आप देखेंगे तो समता सैनिक दल, उनकी परेड है यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मान वंदना दी है बाबू हरदास जी को। और नदी के किनारे में आप देखेंगे तो बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है, और मैं वहाँ पर भी लेकर चलता हूँ। तो पहले आपको मैं यह प्रदर्शनी दिखा देता हूँ। तो बाबू हरदास जी, इनके जीवन के ऊपर में आधारित यह प्रदर्शनी है। आप देख सकते हैं कि बाबू हरदास जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबू हरदास जी ने सबसे पहली बार जय भीम की घोषणा की थी। आप देख सकते हैं जय भीम की पहली बार घोषणा बाबू हरदास जी ने किया था। और आप देख सकते हैं चित्र प्रदर्शनी। और 6 जनवरी 1935 को समता सैनिक दल के नियमावली पत्रिका में जय भीम बल भीम की घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, और आप ये देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। और यहाँ पे पुना करार में योगदान आप देख सकते हैं 24 सितंबर 1932। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुना करार के दौरान बाबा साहेब के साथ एरवड़ा जेल में महात्मा गांधी से भेंट। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसको आप स्किप कर, इसको पॉज करके आप देख सकते, पढ़ सकते हैं इसको आप दोस्तों। ये चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। आप देख सकते हैं बाबू हरदास जी। और कामठी में डिप्रेस क्लास का अधिवेशन हुआ था, उसकी यहाँ चित्र प्रदर्शनी है। बाबा साहेबी अस्पृश्य के नेता, ये देख सकते हैं आप। और इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि 7 सितंबर 1931 को बाबू हरदास ने ही इस बात पर जोर दिया था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ही अस्पृश्यों के नेता हैं, दूसरा कोई अछूतों का उद्धारक नहीं है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं। एक है इधर में जिला काउंसिल चुनाव, और ये बाबू हरदास जी हैं। आप देख सकते हैं नागपुर जिला काउंसिल चुनाव लड़े, अछूतों के लिए आरक्षित सीट से उम्मीदवारी ली थी। और ये आप पढ़ सकते हैं। और हरदास जी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोस्टर में क्या बताया है। आप देख सकते हैं समाचार पत्र का प्रकाशन व राम मंदिर आंदोलन 1927, बाबू हरदास ने किसान फागोजी बंसोड़ जी के साथ मिलकर रामटेकगढ़ मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन छेड़ा था। उसी मंदिर के नीचे अम्बाला तालाब के पास अछूतों के लिए स्वतंत्र मंदिर बनवाया। इस कार्यक्रम में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। और आप देख सकते हैं 1928 आप इस पोस्टर में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और बाबू हरदास जी। और 1923 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, और गवर्नर जनरल बैरिस्टर डिक का बाबू ने कामठी में सत्कार किया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, और उन्होंने अपने जीवन में यह भी कार्य किया है। आप देख सकते हैं किशोरावस्था से ही समाज चेतना का कार्य किया है उन्होंने।
इसमें पढ़ सकते हैं दोस्तों, 1921 में बाबू जब 11वीं कक्षा में थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने पढ़ाई छोड़ कर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाई। बाबू ने महारठ्ठा नाम के मराठी साप्ताहिक की शुरुआत की और संपादक का कार्यभार भी संभाला। कोऑपरेटिव के जरिए बीड़ी बनाने का कारखाना शुरू किया था और कामठी में सस्ते अनाज और कपड़ों की दुकान की शुरुआत की थी। गरीबों की सुविधा के लिए नाइट स्कूल भी खोले थे। तो यह आप देख सकते हैं स्कूल में पढ़ाते हुए बाबू हरदास जी। और 1920 में युवाओं के साथ मिलकर तरुण महार संघ की स्थापना की और महार समाज संगठन में सचिव पद का कार्यभार भी संभाला था उन्होंने, इस तरह से इस पोस्टर में बताया गया है। तो इस तरह से ये चित्र प्रदर्शनी से आप समझ गए होंगे दोस्तों बाबू हरदास जी के जीवन को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर्स और कैलेंडर्स हैं यहाँ पर। अरे हे भगवान, त्यांना माहिती द्या पुराना भाषा आणि याच्यामध्ये पण माहिती आहे, याच्यामध्ये पण माहिती आहे आणि हे एक्झिबिशन लागलेलं आहे। अच्छा अच्छा, ते पण तुम्हाला वाचायचं आहे। और यह कैलेंडर देख सकते हैं आप दोस्तों, भारतीय बौद्ध महासभा हरदास फाउंडेशन की ओर से यह प्रकाशित कैलेंडर देख सकते हैं। और यहाँ पर बाबू हरदास जी के जीवन के जो क्षण है वो तारीख के साथ ईयर के साथ यहाँ पर बताए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों बाबू हरदास जी के आज के स्मृति स्थल के दिन, आप स्मृति स्थल पर आप देख सकते हैं आयोजन किस तरह से किया है। हमारे बहुजन समाज ने उनको समझना चाहिए दोस्तों। हमारे जो बहुजन समाज के जो बच्चे हैं उन्होंने हरदास जी के जीवन को पढ़ना चाहिए कि उन्होंने बाबा साहब के रहते हुए उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे और उनका जीवन किस तरह से बहुजन समाज के लिए रहा, इसको समझना चाहिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।